आपके पास इससे पिछला यानी कि लेक्चर नंबर जो था टू, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर जो थी आपके पास 1.2 ना 1.2 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया था, सेकंड किया था, थर्ड किया था एंड फोर्थ किया था। तो आज हम यहीं से आगे मूव ऑन होते हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था इसमें मैंने आपको ट्रांसपोज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स, जब हम कन्वर्ट करते हैं रोज को कॉलम्स में तो वो आपके पास क्या होता है, वो उसके पास आपको क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। यानी कि जब आप कन्वर्ट करेंगे रोज को कॉलम में तो उसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 5 है और देन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है आपके पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपके पास इसका सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्ट दिया हुआ है आपके पास 0, 1 और -2। ए आपके पास दिया हुआ है, उसमें ए कॉल में क्या दिया हुआ है, 0, 1 और -2। तो जब आप लेंगे ए का ट्रांसपोज, तो जो आपके पास ट्रांसपोज लेते हैं तो आप क्या करते हैं, रोज़ को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में, तो इसका क्या होगा, 0, 1 और -2। ये क्या आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास पहले क्वेश्चन क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह आपके पास इसका बी पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट आपके पास गिवन है 5, 1 और -6। जब आप लेंगे बी का ट्रांसपोज तो वो क्या होगा आपका 5, 1 और -6, ये क्या होगा, बी का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह आपके पास इसका एक और पार्ट दिया हुआ है, सी आपने खुद ट्राई करना है, मैं आपको डी करवाता हूँ। इसका डी पार्ट आपके पास दिया हुआ है 2, 3, 0 और 5। अब आपने डी का क्या लेना है, डी का ट्रांसपोज लेना है। तो आप सिंपल जो आपके पास रोज है आप उसमें कॉलम पर कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, 2, 3, 0 और 5, ये क्या होगा, डी का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह आपके पास इसका एफ़ पार्ट दिया हुआ है, एफ़ पार्ट में आपके पास दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। जब आप एफ़ का ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो क्या होगा, एफ़ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, देखते हैं वो क्या। आप ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बेटा आप लोग ब्राय मेहरबानी टाइम पे क्लास पे आया करें, आप लोग क्यों नहीं टाइम पे आते, फिर आप टाइम पे नहीं आते फिर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आवाज़ कट हो रही है बेटा, अब आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी, मैं भी हल्का फुल्का लैग आ गया हो लेकिन अभी आवाज़ आपके पास ठीक आ रही होगी। क्या अब आपके पास आवाज़ ठीक आ रही है, बताएं मुझे, अब आवाज़ आपके पास ठीक आ रही है। सर आवाज़ कट रही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 6 क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है इफ़ ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1, 2, 0, 1 और बी दिया हुआ है 1, 1, 2, 0। देन आपने प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी है। तो मैं एक पार्ट आपको क्लास में करवा देता हूँ, दूसरा पार्ट क्योंकि आपने एक एक्सरसाइज पहले की हुई है तो आपने वो घर पे ट्रैक करना है। तो अब मूव ऑन होते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की जानिब। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास इसका दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। वेरीफाई इफ ए इज इक्वल टू वेरीफाई डैट इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 0 और 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, 1, 2, 0। देन आपने प्रूफ करना है कि आपके पास जो है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ले।
लेफ्ट हैंड साइड आपके पास पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप क्या ले लें, ए का ट्रांसपोज ले लें। तो आपके पास ए क्या दिया हुआ है, 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। तो आपके पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपने कन्वर्ट कर देना है रोज़ को कॉलम्स में। अब देखें, एक तो हमने अंदर ट्रांसपोज ले लिया, अब ब्रैकेट के बाहर भी एक ट्रांसपोज है तो आप वो ले लें, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें आप लोग। तो आपके पास क्या होगा, 1 0 2 1 का ट्रांसपोज, जो कि आपके पास इक्वल आएगा 1 0 2 1। तो अगर आप गौर से देखें तो जो ये वैल्यू आ गया, यही वैल्यू आपके पास ए की गिवन है, तो आप कह देंगे हैंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.2। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज 1.। सर कैमरा बहुत बैड है बेटा, आपको समझ तो आ रही है ना, आपको बातें समझाना, कैमरा जैसा भी हो आपके पास जस्ट नज़र आ रहा हो, समझ आ रहा हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपनी एक्सरसाइज, नहीं सर कैम नहीं सही है। अच्छा बेटा, अब हम मूव ऑन होते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की जानिब, एक्सरसाइज नंबर 1.3 की जानिब। तो जो आपके पास 1.3 है, ठीक है जी, अब आपके पास ये 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास गिवन दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो दो मैट्रिक्स ऐड होंगे। अब सपोज किया एक आपके पास मैट्रिक्स है, सपोज किया एक आपके पास मैट्रिक्स है 1 3 4 5, और एक मैट्रिक्स क्या है 1 2। अब देखें जो इसमें आपकी रोज़ कितनी है 2 हैं और कॉलम्स कितने 2 हैं, इसमें रोज़ कितनी है 2 हैं, कॉलम्स कितने 1 हैं, तो ये आपस में एडिशन नहीं होंगे। मैट्रिक्स तब ही एडिशन होंगे जब 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 नंबर ऑफ रोज़ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो रूल्स फॉर एडिशन आप लिख लें, रूल्स फॉर एडिशन, तो आपके पास रूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसी तरह आप इसका सेकेंड रूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये जब तक दो रूल फॉलो नहीं होंगे तो आपके कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में एडिशन नहीं हो पाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक आपके पास हमेशा इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स होने चाहिए इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो अब देखें, अब आपके पास लिखा हुआ है कि कौन से जो मैट्रिक्स हम आपस में कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लाई। अगर मैं देखूँ तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x1 का मैट्रिक्स है, ये 2x3 रोज और 2 कॉलम्स हैं और इसके 1 कॉलम और 2 रो हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 का मैट्रिक्स है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो
देखें ए के क्या है, टू रोज एंड टू कॉलम्स है, इसी तरह ई के क्या है, टू रोज एंड टू कॉलम्स है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा ई, यानी कि ए और ई आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि क्या इसका आंसर होगा ए इज इक्वल टू ई। इसी तरह अगर मैं बी पार्ट की जानब जाऊँ तो उसके दो रोज हैं और एक कॉलम्स है, और इसी तरह डी पार्ट के दो रोज हैं और एक कॉलम है, यानी कि बी और डी आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन के लिए, और इसी तरह सी और एफ ऑप्शन के कम्फर्ट है फॉर एडिशन के लिए। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फाइंड के सेकंड की, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स, यानी कि क्या चीज़ इसमें ऐड की जाए तो इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो जीरो आ जाए। तो सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स के बारे में देख लेते हैं। देखें ये एडिटिव इन्वर्स, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होता है ना, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। ये आपके पास डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच डेट ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और बी प्लस ए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने ये वाली डेफिनेशन सबसे पहले याद कर लेनी है। देन हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर टू है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एक्सरसाइज नंबर है आपके पास अब 1.3, क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, ए आपके पास दिया हुआ है 2, -1, 4 और 1। अब जो एडिटिव इनवर्स होगा ना ए का, अगर मैं एक बी इसका वेक्टर ले लूँ, थोड़ी मैट्रिक्स ले लूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं -2 कर देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे -4 कर देता हूँ, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देता हूँ, पॉजिटिव है तो क्या कर देता हूँ नेगेटिव। जब आप ए प्लस बी करेंगे तो देखें आपके पास क्या आंसर आएगा, 2, -1, 4, 1, +-2, -4, 1 और -1। तो 2, -2, 4, -4 क्या होगा, 2, -2, 4, -4, -1, +1, 1, -1। तो आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, 0, 0, 0, 0, ये क्या होगा आपके पास सोल्यूशन आ गया। तो ये आपके पास क्या इसका एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम इसका सी ट्राई करते हैं। सी आपके पास गिवन है 4 और -2। तो एडिटिव इनवर्स हम इसका डी ले लेते हैं, -4 और 2। तो जब आप इसको ऐड करोगे यानी कि सी प्लस डी करोगे तो आपके पास क्या होगा, 4 -2 + -4 और 2। तो क्या होगा, 4 -4 और -2 + 2। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 0 और 0। ये क्या इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हमने पहले ट्राई किया है, तो आपने डी ई एफ घर पे ट्राई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू -1, 2, 2 और 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 और -1, सी इज इक्वल टू 1, -1, 2 और डी इज इक्वल टू 1, 2, 3, -1, 0 और 2। देन फाइंड आपने पहले क्या फाइंड करना है, ए में प्लस कर देना है 1, 1, 1। तो आप सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू -1, 2, 2, 1, बी इज इक्वल टू 1 और -1, सी इज इक्वल टू 1, -1, 2 और डी इज इक्वल टू 1, 2, 3, -1, 0 और 2। Then find
आपने क्या फाइंड करना है, पहले आपके पास पार्ट दिया हुआ है ए प्लस वन 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 वन, ये क्या आपके पास क्या वैल्यू है, एक वैल्यू आपके पास माइनस वन टू टू और वन है, इसमें प्लस कर दें आप वन 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 वन, फर्स्ट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, और फोर्थ फोर्थ में ऐड होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास होगा माइनस वन प्लस वन टू प्लस वन, इसी तरह आपके पास होगा टू प्लस वन और वन प्लस वन, तो वन में से वन क्या क्या रहेगा, आपके पास जीरो रह गया, या आपके पास थ्री रह गया, ये थ्री रह गया, और ये क्या रहेगा टू, या आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। इसी तरह जो आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है टू बी प्लस माइनस वन और टू, ये मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, क्या है आपके पास सेकंड पार्ट इसका बी प्लस माइनस टू ओवर फर्स्ट रो में टू है, सेकंड रो में क्या है थ्री है, तो बी आपके पास दिया हुआ है, आपके पास वन और माइनस वन, आप प्लस कर लें माइनस टू और थ्री को, अब देखें ये आपके पास मैट्रिक्स है टू क्रॉस वन का और ये क्या है टू क्रॉस वन का, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, तो आप इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, तो आपके पास क्या होगा वन माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री, तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया माइनस वन और टू। इसी तरह जो आपका सी पार्ट है वो आपने घर पे ट्राई करना है, मैं आपके पाओ को सी और डी यानी कि थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने घर पे ट्राई करना है, तो फिफ्थ पार्ट आपके पास इधर आपके पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है टू ए यानी कि जो ए आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उसको आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है टू के साथ, तो टू को मल्टीप्लाई कर दें ए के आपके पास माइनस वन टू टू और वन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पहले इसके वन के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस टू 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 ज़र क्या होगा फोर टू टू ज़र फोर टू वन ज़र टू, ये क्या आपके पास सोल्यूशन आ गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर थ्री तक घर से सॉल्व आउट करना है, तो आए हम अभी अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, आज के लेक्चर यहीं तक था।